नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के बुद्ध विहार फेस वन शिव मंदिर के पास। यहाँ पर एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें कि एक महिला के पति द्वारा ही बाहर से कुछ महिलाएं बुलाकर महिला के साथ और महिला की बेटी के साथ, यानी उस आदमी ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ इस कदर मारपीट कराई कि सड़क पर उसने अपनी बेटी के कपड़े तक फाड़ दिए। हमारे साथ पीड़ित महिला और पीड़ित लड़की मौजूद है, बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? ममता। ममता जी, क्या घटना घटी आपके साथ? कल मेरे हस्बैंड ने कुछ औरतों को बुलाकर यहाँ पर बहुत बदतमीजी करवाई, मेरी बेटी को, तो मेरी बेटी के और मेरे कपड़े फाड़ दिए दोनों। आखिर ऐसा क्यों? मैम, मेरे हस्बैंड मेरी सास के कहे में चलते हैं और मैं 20 साल से परेशान हूँ इससे। आपके साथ ही रहते हैं? मेरे साथ ही रहते हैं। एक हफ्ते पहले मेरी सास ससुर ने सब कॉन्स्पिरेसी करके उन्हें घर से भगा दिया यहाँ से कि तू चला जा। उसकी दूसरी शादी का पता नहीं क्या प्लान, मतलब वो मुझे और मेरी को उन्होंने कोर्ट में भी वो डाल दिया है कि ये मेरी बेटी बहू मेरे से गाली गलौज करती है और इसे घर से बाहर निकालो, हम इसे क्या नाम है घर में नहीं रखेंगे। तो उस अपने बेटे को हमने अलग कर दिया है जायदाद वगैरह से, मुझे इस टॉर्चर करके, सिर्फ मुझे अकेले, हम घर में कुंडी बंद करके रहते हैं। कल पार्लर में आके मेरी लड़की का आईफोन था, इस कदर मतलब बदतमीजी करी है। मुझे आज मैंने पार्लर भी नहीं ओपन करा है तो कोई भी आके, ये पार्लर आप ही का है जहां मेरा खड़े है जी। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार दिखा दीजिए तनीशा। और यहाँ पे आके ये बोलूं, अंदर आके कोई मेरे जैसे घटनाएं हो जाती हैं, कोई चाकू मार गया कोई, मैम इसी कदर इसी तरीके से होती हैं, क्योंकि आके इतनी सारी औरतें इकट्ठी 10-15 औरतें थी लेके और सब हमारे ऊपर। अच्छा, जो महिलाएं साथ में थी जिन्होंने आपके साथ मारपीट की, कौन थी या यही की थी कि कहां? नहीं, नहीं, बाहर की थी मैम। आप पहचानते नहीं हो? नहीं, मैं पहचानती हूँ, लेकिन ये सब इसकी चाल पट्टी थी सब मेरे हस्बैंड। आपने पुलिस कंप्लेंट की? मैंने पुलिस कंप्लेंट की लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल लगभग कितने बजे की घटना है ये? कल 1:30 बजे की। यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज है? एक है, वो सीसीटीवी मुझे नहीं दिया गया है, वहाँ पे सब पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझौता करा दिया मैम और मुझे पागलों की तरह यहाँ भेज दिया, क्योंकि मैं और मेरी बेटी अकेले, तो ये लोग कम से कम 20-25 लोग थे वहाँ, तो हमें पागल बनाया और सब पुलिस वाले भी पता नहीं क्या था, इन लोगों के पैसे दिए क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता है वहाँ पे क्या हुआ। लेकिन मुझे ना तो देखिए, मेरी उंगली भी देखिए, मेरी उंगली तोड़ दी है इन लोगों ने, मेरी उंगली तोड़ दी है और मैं कुछ नहीं काम करने लायक, मैं मेरा इसका यहाँ तक कि वहाँ उन्होंने देखा भी नहीं है मुझे, मेरे बाल फाड़ दिए, मेरे भी कपड़े फाड़ दिए, बहुत बुरी तरह। यहाँ पे सब मोहल्ले में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कहते हैं ना मार के चले जाते हैं, सब देखते रहे, मेरी बेटी पुकारती रही भैया प्लीज हेल्प। ये पार्लर आपका अपना है कि रेंटेड है? रेंटेड नहीं है ये अपना, मेरी सास ऊपर सो रही है, मेरी सास ने गेट खोला हुआ। अच्छा, सास भी ऊपर ही रहती है? सास ससुर, मेरी सास ने तो, मैं ऊपर नीचे उतर रही हूँ और उसने मुझे नहीं बताया क्योंकि उसके बेटे ने उसे फोन कर दिया था पहले, वो पहले ही गेट खोला। यतेंद्र क्या काम करते हैं? वो मेरे हस्बैंड के साथ, मतलब मेरे ससुर के साथ फैक्ट्री में करते हैं। फैक्ट्री में? क्या नाम है आपका? तनीशा। क्या हुआ आपके साथ? कल मैं पार्लर में किसी लेडीज कस्टमर का फेशियल कर रही थी, अचानक से लेडीज आई और उन्होंने मेरा फोन उठाया, मैंने आंटी को पकड़ा, वो लेडीज थी उनको मैंने पकड़ा, फिर उन्होंने ना मेरा फोन बाहर फेंक दिया सड़क पे, जैसे मैं अपना फोन पकड़ने आई वैसे 5-6 लेडीज आई, मेरे को लिटा दिया, मेरे को फिर बहुत मारा, मेरे बीबी लग रखी है काफी, फिर मेरा फोन भी छीन लिया, फिर चुरा लिया, फिर पता नहीं क्या मारपीट करी उन्होंने, फिर मम्मी आई, फिर मम्मी के साथ भी मारपीट करने लग गया। मैंने पुलिस को कॉल करा, मेरे पापा भी आए थे, मेरे पापा भी मेरे साथ, ये मुझे बचा रही थी तो इसके पापा कह रहे थे इसे पिटने दो, इसके भी इसके पापा ने भी इसे सड़क पे इसे मारा जी। पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस का रवैया मैम मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। थाना लगता है ये विजय विहार? विजय विहार थाना लगता है। SHO से मिले मैम? आईओ थे वहाँ पे ऐसे। क्या नाम है आईओ का? मैम मुझे नाम नहीं पता। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई मैम? ये हम बताइए, समझौता आप कोई मुझे मार रहा है और आप वो, मतलब आप इस बात को, किसने कराया समझौता? आईओ ने कराया। आईओ ने कराया? आप राजी थे समझौते? उन्होंने कहा कि इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं वहाँ कुछ, मैं पहली बार गई फोर्स करके समझौता कराया गया। आईओ का कोई नाम वगैरह कुछ याद है? दीपक मलिक। दीपक मलिक,
जी, क्या कहना चाहेंगे और इसके अलावा? मैम क्या कहूँ अब मैं, बताइए एक लेडीज की तो कहीं, मैम यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले ना, किस तरीके से बताइए, एक औरत की कहीं सुनवाई नहीं, घर में भी परेशान कर रहे हैं, घर में मुझे 20 साल से परेशान करा जा रहा है, मैंने इतनी सेवा करी है, मैंने अपने पैसे से इस आदमी का इलाज करा है, मैंने ये सोच लो ये अपनी पॉटी भी नहीं धो पाता था, इस इंसान की पॉटी भी धोई है, अपने पैसे से इलाज करा है, इसके घर में इन बच्चों को मैंने खुद पढ़ाया, आज मेरा बेटा CS कर रहा है, CS तक मैं लेके आई हूँ, अब मैंने उसे छोड़ा है तो यूँ कहते हैं हम इसे इंजीनियरिंग करा रहे हैं, लेकिन 12th तक तो मैंने पढ़ाया ना। समझौते के जो पेपर है वो है आपके? वो है मैम, मेरा मेडिकल भी है, जो मेडिकल भी है मेरे पास। मेडिकल किसने कराया, आप खुद गए कि पुलिस लेके? नहीं, समझौते के पेपर कब दिया? समझौते का पेपर नहीं दिया आपको? समझौते के पेपर पेपर नहीं दिया मैम, कोई मेरे पास पेपर नहीं। सगे पिता अपनी बच्ची के सड़क पर कपड़े फाड़ सकते हैं, उसको पीट सकते हैं, अपनी बीवी को इस कदर पीटते हैं कि जैसे कोई दुश्मन हो। ये बाहर की औरतें बुलाकर इन पर हमला कराया गया, बेटी का फोन तक छीन लिया गया। दोनों महिलाएं 20 साल से, जबकि इन्होंने बताया ममता जी ने कि 20 साल से अपने ससुराल पक्ष से ये परेशान हैं। अब देखने वाली बात ये है कि जब पुलिस में केस गया, विजय विहार थाना लगता है, थाने में केस गया तो IO दीपक के द्वारा जबरन इनका समझौता करा दिया गया, और समझौता जिस पेपर पे कराया गया वो पेपर भी इनको नहीं दिए गए। तो मैं सरकार से गुहार लगाऊंगी, इस तरीके की जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए इस तरीके का कानून हो कि उन पर कोई प्रेशर ना बनाया जाए, और जो महिला इस परेशानी से गुजर रही है सरकार और पुलिस प्रशासन अच्छे तरीके से उनकी बात सुने और उचित कार्यवाही करे। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, ओपन चैलेंज 24।